उत्तर कोरियाई मीडिया की ओर से जब बीते रोज ये तस्वीरें सामने आई तो तमाम मुल्कों की टेंशन बढ़ गई। कोरिया के लीडर किम जोंग का रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रति सम्मान इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। दरअसल किम जोंग उन ने एक आधिकारिक भवन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बड़े चित्र लगाए हैं। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने पिछले हफ्ते कोरिया युद्ध की समाप्ति की 70वीं वर्षगांठ मनाने के लिए प्योंगयांग का दौरा किया था। उनके साथ किम जोंग उन की कुछ तस्वीरों में दीवार पर लगी पुतिन की बड़ी बड़ी पिक्चर्स को साफ तौर पर देखा जा सकता है। आपको बता दें कि कोरिया युद्ध की समाप्ति दिवस को उत्तर कोरिया में विजय दिवस कहा जाता है। भले ही व्लादिमीर पुतिन सर्गेई शोइगु के साथ प्योंगयांग नहीं गए थे, लेकिन उन्होंने किम को एक लेटर भेजा था जिसे कोरियाई सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने प्रकाशित किया था। लेटर में रूसी नेता ने यूक्रेन पर मॉस्को के आक्रमण के बीच रूस के लिए उत्तर कोरियाई सरकार के समर्थन की सराहना करते हुए लिखा है, प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर रूस के साथ एकजुटता हमारे सामान्य हितों को उजागर करती है। वहीं सर्गेई शोइगु के प्योंगयांग आगमन से पहले रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि उनकी यात्रा का मकसद रूसी उत्तर कोरियाई सैन्य संबंधों को मजबूत करना है। वहीं इस बाबत समाचार एजेंसी रॉयटर्स कहती है कि यात्रा के दौरान तानाशाह किम जोंग ने मंत्री को परमाणु सक्षम मिसाइलें दिखाई जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के तहत प्रतिबंधित हैं, साथ ही एक अपना नया ड्रोन भी दिखाया।